हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो मैं आ गया हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ में। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये लैब जाइंट हम कैसे जीत सकते हैं, कैसे हमें गेम खेलना रहेगा, क्या ट्रिक्स हैं इसकी, मतलब ट्रिक्स तो नहीं, क्या तरीका है जिससे आप जल्दी से जल्दी आप ये जो लैब जाइंट है वो क्लेम कर पाओगे। यार मैंने नाइट पर देखा था तो नाइट में कोई अपडेट नहीं आया था, शायद मॉर्निंग में आया, मॉर्निंग में मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं कोई बात नहीं, पर अब मैं फाइनली इस पर वीडियो बना रहा हूँ। तो यार गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं फ्री फायर से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहता हूँ और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो गाइस चलते हैं अब सीधा वीडियो पे। तो गाइस देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा हुआ विन लैब जाइंट। तो यार ये वो हल्का वाला बंडल है, ज़्यादा खास नहीं दिख रहा है वैसे जो मैंने बंडल देखा है, बट यार कोई बात नहीं, हम ट्राई करेंगे इसे जीतने का। यार इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा इसका जीतने के लिए, जो डाइस चाहिए वो डाइस आपको कैसे मिल सकते हैं। तो चलिए एक बार मैं आपको अंदर का इंटरफेस बता दूं और देखा दूं कि आपको क्या क्या नीड पड़ेगी, क्या क्या इसके रूल्स हैं और बेसिकली क्या क्या हमें इसमें मिलने वाला है। ये आ गया ट्रिक और ट्रीट। तो चलते हैं, करते हैं हम सीधा इंटर पे क्लिक, देखते हैं अंदर हमें क्या मिलता है। तो कैसे आ गए हम अंदर, तो देख सकते हैं आप थोड़ा साफ सीढ़ी टाइप का पैटर्न है, पूरे ब्लॉक्स बने हुए हैं। तो ये पम्पकिन हेड पे दिख रहा है, ये अपना प्लेयर है जो चलेगा, जो हम डाइस रोल करेंगे। तो यहाँ आप दो डाइस दिख रहे हैं आपको, डाइस और एक स्पेशल डाइस। तो इन दोनों डाइस का मैं आपको बता दूंगा डिटेल्स में क्या क्या है। तो इसमें आपको करना क्या है, आप कैसे लैब जाइंट जीत सकते हो। तो ये जो चार आपको दिख रहे होंगे, ये दो घर जैसे, एक में स्केलेटन बना हुआ है, एक में मतलब एक खोपड़ी सी रखी हुई है और एक ये पता नहीं क्या पत्थर से रखा हुआ है। ये चारों के नाम दिख रहे हैं आपको, विच हाउस, डॉल हाउस, कल आइलैंड एंड जोम्बी जोन। तो इन चारों पर आपको स्टेप करना है, मतलब आपका जो गुड्डा है, जो प्लेयर है आपका इस गेम का, उसको इन चारों के ऊपर से निकलना ज़रूरी है, मतलब इन चारों के ऊपर उसको रुकना है एक एक करके, किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जो पहले आप उसके ऊपर पहले रुको, नहीं, जैसा जैसा आप चलते जाओ, जैसा जैसा होते जाओ, बस चारों आप कंप्लीट कर दोगे तो आपको लैब जाइंट मिल जाएगा फ्री में। तो देख सकते हैं आप, आपके पास दो डाइस है, एक डाइस है नॉर्मल और एक स्पेशल डाइस है। डाइस तो नॉर्मल अपना डाइस जैसा होगा, उसमें आप स्पिन करोगे तो रैंडमली कुछ भी एक से छः के बीच में नंबर आ जाएगा और वो जो नंबर आएगा उतना स्टेप्स आपका जो प्लेयर है वो आगे चलेगा। स्पेशल डाइस जो है उसमें आप ही सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको क्या नंबर चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी घर से एक स्टेप ही दूर है तो आप उसको सिलेक्ट करके आप एक पे क्लिक करेंगे तो एक ही स्टेप आएगा और आप सीधे घर पे आ जाओगे। ये बहुत अच्छी बात है। ये आपको मिलेगा कैसे, इसके लिए चाहिए आपको वैनम और एंटीडोट, या बोले तो पॉइजन और एंटीडोट, शायद पॉइजन और एंटीडोट नाम है। जितने पॉइजन आपको मिलेंगे उतना डाइस मिल जाएंगे और जितना एंटीडोट रहेगा उतने आपको स्पेशल डाइस मिल जाएंगे। तो सिंपल है, आपको गेम खेल के पॉइजन और एंटीडोट कलेक्ट करने। तो यार मैं आपको बता दूंगा कि वो भी कैसे कलेक्ट करने। तो उसके अंदर अभी आपको दिख रहा होगा कि ये जो कैन टाइप का बना हुआ है जिसपे चमगादड़ बना हुआ है, तो इससे भी ये लूट क्रेट टाइप का, इसमें भी आपको लूट क्रेट टाइप में आपको कुछ भी मिल सकता है। और ये गोल्ड कॉइन बने हुए जिस पर आप स्टेप करोगे तो आपको कुछ भी नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन मिल जाएगा। और अगर आप ध्यान से दे तो आपको ये एरो दिख रहा होगा बीच में, दो दो एरो एक छोटे छोटे बने हुए, तो अगर आप उस पर स्टेप करते हो तो वो आपको बूस्ट कर देगा, मतलब आपको तीन चार स्टेप वो और आगे भेज देगा ऑटोमेटिकली, मतलब उसके लिए आपको स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पॉइजन और एंटीडोट कैसे कलेक्ट करना है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, फिर आपको मैं खेल के बताऊँगा कि इसे खेलना कैसे है। तो गाइस ये पेज आपने देख लिया होगा, इसमें आपको मिल रहा है पॉइजन और एंटीडोट। तो जो पर्पल कलर का है पॉइजन है और जो ग्रीन वाला है वो एंटीडोट है। तो लॉग इन करने पर ही एक मिल जाता है तो मैं क्लेम कर लेता हूँ। बाकी आप देख सकते हैं आपको नॉर्मल गेम्स खेलना है और कुछ नहीं करना है, आपको टोटल मिला के तीन या चार गेम खेलना है और दो गेम में आपको टॉप थ्री आना है। तो बहुत इजी है, बहुत इजी टास्क है, कोई बड़ा टास्क नहीं है, इतना गेम तो हर कोई खेल ही लेता है और यार टॉप थ्री में आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से आप जो भी आप क्लेम कर पाओगे अपना पॉइजन और एंटीडोट, तो जैसे ही आप यहाँ से क्लेम करोगे तो आपका गेम के अंदर जो डाइस है और स्पेशल डाइस है उसका जो चांसेस है उस पर अभी 0-0 लिखा हुआ होगा, तो उसके नंबर जो है बढ़ जाएंगे। चलिए मैं थोड़ा सा गेम खेल लेता हूँ फटाफट और ये सब क्लेम कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि गेम कैसे खेलना है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने क्लेम कर लिया है ऑलमोस्ट सब कुछ, टॉप थ्री वाला बचा हुआ है तो वो भी मैं अभी कर लूँगा, मेरे को आपको बताना था इसलिए मैंने अभी जितना मुझे इंपॉर्टेंट लगा उतना मैंने क्लेम कर लिया है। तो चलते हैं अब सीधा अपन गेम के अंदर चलते हैं, हमारा जो लैब जाइंट वाला गेम है, और देखते हैं कि हमें नंबर हमारे बढ़े कि नहीं बढ़े डाइस के और स्पेशल डाइस के। ट्रिक और ट्रेट देख सकते हैं आप, जैसे डाइस के उधर आपको 9 दिख रहा है, 9 नंबर लिखा हुआ है, स्पेशल डाइस पे 1 लिखा हुआ है। तो मतलब हमारा जो पॉइजन है और एंटीडोट है जितने हमने क्लेम करे उतने हमें मिल गए हैं। तो थोड़ा सा मैं खेल के दिखा देता हूँ अब आपको कि खेलना कैसे इसे। तो गाइस सबसे पहले आपको ध्यान दिख रहा होगा कि इसमें जो कैन और गोल्ड कॉइन के अलावा एक ये भूत सा भी बना हुआ है,
अगर आप भूत से टकराते हैं ना तो वो आपको वापस से स्टार्ट पर ले आएगा, जो आप जहाँ पर अभी आपका प्लेयर खड़ा हुआ है स्टार्ट पे। ये मेरा पहला रोल है, लेट्स सी। चलो दो नंबर मिला मुझे, तो ये दो देखा आपने, दो कॉलम आगे बढ़ा तो उसमें मुझे मिला गोल्ड। तो रैंडमली आपको कुछ भी गोल्ड मिल सकता है। तो मैं फिर से एक स्पिन मारता हूँ, नॉर्मल डाइस वाला स्पिन मारूंगा अभी, तो फिलहाल स्पेशल डाइस वाला यूज़ नहीं करूँगा, तो नॉर्मल डाइस वाला ही अब स्पिन मारता हूँ और देखते हैं हमें क्या मिलता है। ये आया है एक, एक पे आप देखना मैं एरो पे आ जाऊंगा और देखना मुझे बूस्ट मिल जाएगा। तो देखो उसने मुझे तीन स्टेप और आगे भेज दिया, जिस भी जितने भी एरो उस पर क्लिक करो आप उस पर स्टेप करोगे तो यही होगा। अब जैसे आपको दिख रहा होगा कि मुझे एक ही स्टेप आगे जाना है एक घर को कंप्लीट करने के लिए, तो मैं इसमें स्पेशल डाइस यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको दिख रहा होगा इतने 1, 2, 6 सारे नंबर है, तो मेरे को एक ही चाहिए, तो मैं एक सिलेक्ट कर लेता हूँ और कन्फर्म पर क्लिक करता हूँ, तो ये एक आ गया। अब मैं एक आ गया तो मैं इस घर पे आ जाऊंगा और ये घर पे आके मेरा एक टास्क पूरा हो गया, चार में से एक घर मैंने पूरे कर लिए हैं। तो गाइज इसका कोई ऑर्डर नहीं है, आप कोई से भी घर को पहले कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस चारों के चारों घर पे आपको स्टेप करना ज़रूरी है। और मुझे मिल गया यहाँ से एक सर्व बोर्ड और बहुत अच्छा सर्व बोर्ड है यार ये। तो मेरा एक घर पूरा हो गया है, अब मैं ट्राई करूँगा दूसरा भी करने का। तो हमें कितना मिला है, एक फिर से एक मिला, कोई बात नहीं, चलो जो अच्छी बात है क्योंकि यहाँ एरो है तो मुझे थोड़ा सा बूस्ट मिल जाएगा। तो अब मुझे चाहिए तीन अगर नेक्स्ट घर पे स्टेप करने के, तो देखते हैं हमें तीन मिलता है या नहीं मिलता है। नहीं, फिर से हमें एक मिला, तो इसमें मिलेगा गोल्ड, गोल्ड मिल गया मुझे 25। अब चाहिए मुझे दो ताकि मैं अगले घर पे स्टेप कर पाऊँ, और देखते हैं दो, यस मुझे दो मिल गया और ये मैं आ गया हूँ दूसरे वाले घर पे। तो मतलब मेरे दो टास्क पूरे हो गए फाइनली, देखते हैं आगे और क्या क्या मिलता है। तो ये आप पढ़ सकते हो, यहाँ पता नहीं क्या लिखा हुआ, मैंने ध्यान नहीं दिया, चलो कंफर्म। तो ये मुझे मिला है शायद लैब जाइंट का बैनर या अवतार, बैनर या अवतार में से कुछ मिला है। अब देख सकते हो अब यहाँ है भूत, अगर मैंने भूत को टच करा, भूत वाले सेक्शन पे अगर आके रुका मैं वापस से स्टार्ट वाली पोजिशन पर चला जाऊँगा। तो मुझे बचना है भूत से, तो देखते हैं हम नॉर्मल डाइस स्पिन करूँगा, स्पेशल तो ख़त्म हो गया है, तो यस बच गया मैं भूत से। तो मैं भूत से बच के आगे आ गया हूँ। अब यहाँ से अब स्ट्रेट नहीं जा सकते, यहाँ से पहले आपको इंटरसेक्शन पे ही जाना पड़ेगा, जो क्रॉस है उधर ही जाना पड़ेगा। तो एक आया, तो एक से मुझे मिला है कैंडी जार, तो इसमें से रैंडमली आपको कुछ भी मिल सकता है। तो जब तक आप इस जो सामने मेरे सामने घर दिख रहा है उस पर स्टेप नहीं करोगे, तब तक आप ये स्कल वाले घर पर नहीं जा पाओगे। तो यार 6 मिला तो मैं बहुत आगे आ गया, पर कोई बात नहीं, आप फिर से राउंड मारना पड़ेगा अब इसके लिए, मतलब आप पीछे नहीं जा सकते, आपको फिर से पूरा राउंड मार के आना पड़ेगा। इसलिए गाइस जो आपका स्पेशल डाइस वाला स्पिन है वो आप संभल कर यूज़ करना, आप बेवजह वेस्ट मत करना। तो मेरा सिंगल स्पिन बचा हुआ है, तो देख लेते हैं, फिर से 6 मिला तो बहुत आगे चला जाऊंगा मैं 6 में। ओ फिर से बूस्ट मिल गया मुझे, तो बस ऐसा ही हमें बार बार जब तक घूमते रहना पड़ेगा, जब तक हमारा ये चारों घर कंप्लीट नहीं हो जाते। मेरे दो घर कंप्लीट हो गए एक ही बार में, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं नेक्स्ट बार में ट्राई करूंगा कि एटलीस्ट एक घर और कंप्लीट कर दूं। तो आप देख सकते हो मेरे को यहाँ कैंडी जार, मतलब ये आप रिवॉर्ड की लिस्ट है कि आपको क्या क्या मिलेगा इसमें से। तो कैंडी जार है, बाकी पैराशूट है और सॉफ्ट बोर्ड मुझे मिल ही चुका है ऑलरेडी। और देख सकते हो आप दो पेटी का आ गया, मतलब दो टास्क मेरे पूरे हो गए, दो घर पे मैंने स्टेप कर लिया, इसलिए ये दो पेटी का आ गया, बस दो और करने हैं, स्कल आइलैंड और अपना ग्रेवयार्ड। तो बस यही है तरीका आपको खेलने का, आपको बस ऐसे ध्यान से खेलते रहना पड़ेगा। स्पेशल डाइस को आप सोच समझ कर यूज़ करिएगा, जहाँ नीड लगे वहीं यूज़ करिएगा। गाइस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ये गेम कैसे खेलना है। अगर आप अच्छे से खेलेंगे तो इजीली आपको बंडल मिल जाएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मुझे भी मिल जाए, और नेक्स्ट हो सका तो नेक्स्ट डे मैं ट्राई करूँगा कि कल मैं वो बंडल क्लेम कर पाऊँ। गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट जरूर करना कि आपको लैब जाइंट वाला बंडल कैसा लगा। तो गाइस बाय बाय। Rain drop, drop top, drop top, smoking, no cooking, the hot box, cooking on your bitch, yeah, that, cooking up dope in the crock pot.